मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की दासदार और मिस्ट्री वेमेन वधु के पति ने आज मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस और सीबीआई जिसकी तलाश कर रही है, उस मधु कुमारी के पति चांद ने कहा कि मधु से मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन 13 साल से उसका उससे कोई रिश्ता नहीं। उसने पहले ही उसे छोड़ दिया था। जब से वह ब्रजेश की संगति में आई, वह पारिवारिक जीवन छोड़ ब्रजेश का साथ निभा रही थी। उसने बताया कि मधु मेरे नशे और ब्रजेश ठाकुर से नजदीकी के कारण मुझसे दूर हो गई। उसने ये भी कहा कि मधु कहाँ छिपी है इसकी जानकारी मुझे नहीं। उसने बताया कि उसकी पत्नी मधु ब्रजेश से बहुत करीब थी, जिसकी वजह से उसका झगड़ा होता था, लेकिन मधु ने मुझे छोड़ ब्रजेश से गहरा संबंध बना लिया और मुजफ्फरपुर में अपना घर बनाया। देश में चर्चित रेड लाइट एरिया मुंबई के कमाठीपुरा, कोलकाता का सोनगाछी व दिल्ली की जेबी रोड से मधु का तार जुड़ा रहा। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में मधु का नाम आने के बाद रेड लाइट एरिया के चौक चौराहे पर इसकी चर्चा है। पुलिस प्रशासन के लोग इस इलाके में चौकसी रखे हैं। मधु व उसके सहयोगी की कुंडली तैयार की जा रही है। कभी भी उसके सहयोगी से पूछताछ हो सकती है। मधु को जानने वाले की माने तो लालटेन पट्टी उजड़ने के बाद इस इलाके में दूसरे रेड लाइट एरिया से आने वाले संदिग्ध लोगों का एक तरह से मधु के कार्यालय में दरबार लगता रहा। बालिका गृह मामले के तूल पकड़ने से एक सप्ताह पहले तक वहां बालिका सुधार गृह का कार्यालय सुबह व शाम खुलता रहा। पुलिस की दबिश बढ़ी तो वहां से कुछ बोर्ड को हटा दिया गया। पुलिस के गलियारे में चर्चा है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली से एक वंचित महिला ने यहां मधु की देखरेख में ठिकाना इस इलाके में बनाया है। चर्चा इस बात की भी है कि बालिका गृह की जो लड़की लापता है वह किसी रेड लाइट एरिया में तो नहीं पहुंच गई। अब तो जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि उसकी हकीकत क्या है। मधु की हनक इतनी रही कि इस इलाके में कोई उसके खिलाफ जुबान नहीं खोलता। ब्रजेश ठाकुर का संरक्षण मिलने के कारण अखबार व प्रशासन की सख्ती उसको मिलती रही। वह पूरी हनक के साथ किसी भी सरकारी दफ्तर में जाती तथा अपनी बात को रखती। अच्छा, सीबीआई आपके पास आई थी? जी हाँ। क्या पूछी? क्या पूछी है? वो सीबीआई पूछी है कि मतलब आने की कहाँ है ये, कैसे तुम्हारा रिलेशन बना, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ऐसे बात। आप क्या क्या बताए, आप क्या क्या बताए, आपको क्या क्या जानकारी? कुछ जानकारी है ही नहीं है। हम तो अपना घर में रहते हैं, उसको से मतलब है ही नहीं। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे? तुमसे मिले थे आखिरी बार कब? मिले बार कब? मुलाकात कब? देखा देखी हुई, देखा देखी हुई। 4 महीना हो गए केस का ना। तो उसको दौड़ते जाने के देखे थे। कहाँ दौड़ रही थी? मतलब ये हमारे घर में जा रही थी, उन्हें अपने घर पे इधर से जाने के जा रही थी। वही देखे। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।